आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के थाना रेवसा क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां रेवसा के मुख्य चौराहे पर एक दिव्यांग शिक्षक की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए अपने आई इंडिया के रेवसा संवाददाता अमरीश मिश्रा के पास। तो अमरीश बताएं, यह हादसा कहां पर हुआ है और दिव्यांग शिक्षक की मौत कैसे हुई? ये रेवसा के मुख्य चौराहे पर दुर्घटना हुई है, जहां एक घरेलू गैस सिलेंडर लेकर जा रहे ट्रक ने एक युवक जो प्राइवेट रूप से शिक्षण का कार्य करता था उसकी ट्राईसाइकिल को टक्कर मार दी और उस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मोहम्मद आसिफ पुत्र इदरीस उम्र 30 वर्ष निवासी गंगापुरवा थाना थान गांव, जो दोनों पैरों से विकलांग था, आज लगभग 3 बजे के आसपास वो अपनी ट्राईसाइकिल से रेवसा कस्बे को कॉपी किताबें खरीदने आया था, जहां से वापस जाते समय रेवसा मुख्य चौराहे से 50 मीटर दूरी पर महमूदाबाद रोड पर गोल्डन प्रिंटिंग प्रेस के सामने उसे घरेलू गैस सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। वह युवक अपनी साइकिल से उछलकर सड़क पर जा गिरा और सर में चोट लगने से मौके पर ही ट्रक से उछलकर उसकी मौत हो गई। जी अमरीश, ये बताएं, क्या ये जानकारी मिल पा रही कि वो दिव्यांग शिक्षक कहां पढ़ाते थे, किस विद्यालय में थे? ये दिव्यांग युवक मृतक मोहम्मद आसिफ पुत्र इदरीस ये थानगांव थाना क्षेत्र के गंगापुरवा गांव का रहने वाला था, जो वहीं अपने गांव के बच्चों को प्राइवेट रूप से कोचिंग पढ़ाता था, उनकी कॉपी किताबें भी ले जाया करता था, इसलिए उसका रेवसा आए दिन आना जाना रहता था और आज भी वह बच्चों के लिए कॉपी किताबें लेने आया था, तो ये प्राइवेट रूप से बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। जी बिल्कुल, ये बड़ा हादसा हुआ है रेवसा के मुख्य चौराहे पर। आपको बता दें कि थानगांव के निवासी मोहम्मद आसिफ, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी, ये गंगापुरवा थाना थानगांव के निवासी थे। ये दोनों पैर से बताते हैं कि विकलांग थे या और ये जो है अपने ही गांव में रह करके प्राइवेट रूप से जो है बच्चों को पढ़ाते थे, तभी जो है आज रेवसा कॉपी किताब लेने आए थे और इसी दौरान रेवसा के मुख्य चौराहे पर गैस सिलेंडर लेकर जा रहे प्राइवेट वाहन ने जो है इन्हें टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयंकर थी कि ये जो आसिफ थे शिक्षक ये अपने ट्राईसाइकिल से गिर गए और इनकी मौत हो गई। फिलहाल मौके पर रेवसा पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक चीज और जानना चाहेंगे अमरीश जी, जिस गैस सिलेंडर के वाहन ने जो ट्रक ने इनको टक्कर मारी थी वो क्या पकड़ लिया गया है या फरार है? जी हाँ, दुर्घटना के तुरंत बाद उसे, क्योंकि रेवसा चौराहे पर दुर्घटना हुई थी, महमूदाबाद की तरफ जाने की सूचना वहाँ के लोगों ने दी, रेवसा पुलिस व थानगांव पुलिस के द्वारा मिलकर उस वाहन को थानगांव थाने पर रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि थानगांव पुलिस द्वारा दुर्घटना करने वाले वाहन को रोक कर वहीं रखा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चालक भी हिरासत में है अमरीश जी? चालक के संबंध में अभी पुलिस द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दुर्घटना कर भाग रहे ट्रक को पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है और उसे संबंधित कार्रवाई की जा रही है। अमरीश, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रक था गैस सिलेंडर का, किस कंपनी का था, कुछ जानकारी ऐसी मिल रही है? देखिए, उसके मामले में घरेलू गैस सिलेंडर था और दुर्घटना करके मौके से भागा, तो स्थानीय लोग इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बाकी अब ये घरेलू गैस सिलेंडर का ट्रक था इतना लोग बता रहे हैं, किस कंपनी का था इससे संबंध में अभी पुष्टि नहीं है। बिल्कुल, घरेलू गैस सिलेंडर जो लेके जा था ट्रक, उसने दिव्यांग शिक्षक जो ट्राईसाइकिल से अपने जा रहा था कॉपी किताब लेने, तभी उसे टक्कर मार दी और जिससे कि जो है दिव्यांग शिक्षक की मौत हो गई। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अमरीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।